गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब वीडियो फॉर क्लास थर्ड हिंदी। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी एट योर होम। आज 2 अक्टूबर को हमारे देश के दो महापुरुषों, महात्मा गांधी जी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और हमारे भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करते हैं, जो कि हमारे हिंदी की पुस्तक के पहला पाठ है, प्रार्थना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा का पाठ 23 बापू की बातें पढ़ेंगे। आज महात्मा गांधी जयंती है, इस अवसर पर हम इस पाठ को अवश्य पढ़ेंगे। बापू की बातें। बापू नियम के पक्के थे। बापू नियम के पक्के थे। वे प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। एक बार वे यात्रा से थककर घर पर आए तो बिना प्रार्थना किए ही सो गए। उनके साथी भी पहले ही आकर सो चुके थे। वे भी प्रार्थना करना भूल गए। सवेरे 4 बजे जब प्रार्थना के लिए सब उठे तो साथियों से बापू ने सवाल किया, क्या रात को सोने से पहले आप लोगों ने प्रार्थना की थी? जवाब मिला, नहीं, जब हम यात्रा से लौटे तो थक गए थे, इसलिए सो गए। बापू ने कहा, मैं भी सो गया था, पर रात को 1 बजे नींद टूटी तो याद आया प्रार्थना नहीं की। मुझे इतना बुरा लगा कि तब से अब तक जाग रहा हूं। इसके बाद वे कहीं भी यात्रा में होते तो भी प्रार्थना करना न भूलते। सुबह शाम प्रार्थना उनकी नित्य की आदतों में से एक थी। बापू की यह बात हमें भी सीखना चाहिए। आप सभी बच्चे इस पाठ को 3-4 बार अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को रोक रोक कर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इस पाठ के नए शब्द यानी शब्दार्थों को हम पहले सीख लेंगे। प्रार्थना का अर्थ होता है वंदना, ईश्वर को याद करना। प्रतिदिन, प्रति का मतलब होता है एक, दिन का मतलब होता है दिन, एक दिन यानी हर एक दिन, हर दिन। नींद टूटना, नींद टूटना यानी नींद खुल जाना, जब हम सो रहे होते हैं और नींद खुल जाती है तो उसे कहते हैं जागना। अगला शब्द है पक्का, पक्का मतलब मजबूत या दृढ़। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है सवाल, सवाल का अर्थ होता है प्रश्न। हम पहले ही पदेन र और राकी रेफ के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित कुछ शब्द इस पाठ में आए हैं जिनका हमें अभ्यास करना है और सही तरह से मात्रा लगाना भी सीखना है। जैसे पहला शब्द जो है, यहाँ पर प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। जो शब्द सही है
उसे हमें चुनकर लिखना है। यहाँ पर एक शब्द सही है और दूसरा, जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, पार्थना, पार्थना। दूसरा शब्द है प्रार्थना।